नमस्कार किसान भाइयों, आर की वीडियोस में आपका पुनः स्वागत है। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, यह आरआईआर का मेल चेक्स है। अगर इसके डे की बात करी जाए तो आज इसको 33वां दिन हो चुका है। 33वें दिन मैं आज को 33वें दिन के मैनेजमेंट की जानकारी देता हूं। 33वें दिन जैसे ही मैं सुबह के समय अपने फार्म पे आया तो मैंने देखा कि आज इनको कैनिबलिज्म की शिकायत हो गई है। कैनिबलिज्म का तात्पर्य क्या रहता है? जब मुर्गा मुर्गी एक दूसरे को पूंछ से एक दूसरे को टोंच मारते हैं तथा पहले जी ये पंख को घायल करते हैं, जैसे पंख लुच जाता है तो फिर उसके पीछे टोंच मारना चालू कर देते हैं, जिससे कि इनके पीछे घाव और उत्पन्न हो जाता है। और यह लाल रंग के पति इतने आकर्षक रहते हैं, जहां घाव और एक घाव बन जाता है तो जितने भी मुर्गा मुर्गी रहेंगे यह उसके ऊपर टूट पड़ेंगे और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती जब तक उसको टोंचते मारते रहते हैं। इस बीमारी का होने का कारण क्या है? इस बीमारी का मुख्य कारण है मैनेजमेंट में खामियां, कि बर्तन की संख्या प्राप्त नहीं होना। आप एक बच्चे को स्क्रीन पर लाइव देख सकते हैं, इसमें कैनिबलिज्म की शिकायत आ गई है। आप देख सकते हैं कि मुर्गा मुर्गी जो भी मुर्गे हैं साथ वाले, उसी को टोंच टोंच के मारते जा रहे हैं। यह नहीं सोच रहे हैं कि यह हमारा साथी है, इनमें किसी प्रकार की इसमें कोई परिभाषा नहीं रहती। देख सकते हैं कि यह एक दूसरे इसको टोंच रहे हैं, क्योंकि इसके पूछे लाल रंग का है, थोड़ा सा खून निकल आया है। और इसका कारण होने का कारण क्या है? सर्वप्रथम इसमें यह रहता है कि मैनेजमेंट में खामियां। रात्रि के समय मैं फार्म के अंदर आया नहीं, और दूसरी बात सुबह मैं सो के थोड़ा लेट उठा आज 8 बजे, तो उसमें क्या था, जो ड्रिंकर और दाना के बर्तन थे ये खाली हो गए। ना ड्रिंकर में पानी था, ना फीडर में दाना था, तो उस कारण यह क्या रहा है, स्ट्रेस में आ गए। जब यह स्ट्रेस में आ गए तो यह क्या करते हैं, एक दूसरे को टोंचना चालू कर देते हैं, क्योंकि जब इनको दाना और खाना नहीं मिलता तो यह एक दूसरे को टोचना चालू कर देते हैं। परिणाम स्वरूप क्या रहता है, जो भी मुर्गे मुर्गी रहते हैं यह लाल रंग के प्रति आकर्षित रहते हैं। लाल रंग के प्रति आकर्षित होने के कारण जिसको भी जरा सा भी खून निकला तो ये उसको टोंचते जाते। स्क्रीन पर लाइव देख सकते हैं यह कैसे जिसको लाल रंग दिख रहा है और खून निकल रहा है और ये उसको टोंच रहा है पीछे से मुर्गा दूसरा मुर्गी। इस बीमारी से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आप स्क्रीन पर लाइव देख सकते हैं, प्रूफ दिखा रहा हूँ। यह कैनिबलिज्म की बीमारी है, मतलब बच्चा जब स्ट्रेस में आ जाता है या जगह पर्याप्त नहीं मिलती या धूप सही से नहीं मिलती या फीडर के बर्तन भरे नहीं रहते या ढिंकर के बर्तन भरे नहीं रहते, इस प्रकार की समस्या जब आती है, या कैल्शियम की कमी रहती है या मिनरल्स की कमी रहती है या फास्फोरस की कमी रहती है या और भी अन्य विटामिन मिनरल्स की कमी रहती है, तो यह बीमारी को हम कैनिबलिज्म कहते हैं। आप देख सकते हैं कि लाइव यह इसको टोंच टोंच रहा है, इसमें लाल रंग रहता है, जो लाल रंग के प्रति यह आकर्षित रहते हैं। स्क्रीन पर लाइव देख सकते हैं। इस बीमारी का निदान हम किस प्रकार से कर सकते हैं, मैं आपको लाइव बताऊंगा। इस बीमारी का निदान के लिए हम इसको क्या दे सकते हैं, इस बीमारी के निदान के लिए सबसे पहले जो फीडर के बर्तन हैं वह हमेशा भर के रखें, जो डिंकर के बर्तन हैं वह भी हमेशा भर के रखें। रात्रिकालीन हो जा रात के समय मैं क्या थक गया था तो ड्यूटी के बाद मैं ऊपर नहीं आ पाया और सुबह थोड़ा रात में नींद नहीं लगी थी, थोड़ा सुबह लेट उठा, जिस कारण की यह कैनिबलिज्म की शिकायत 33वें दिन आ गई। डिंकर और तो फीडर के बर्तन थे टोटल खाली हो गए थे। देख सकते हैं कि एक दूसरे को कैसे टोंच रहे हैं, स्क्रीन पर ये देख सकते हैं ये दूसरा, और मैंने कुछ इसके अंदर बंद करके रखा हूँ, अभी आपको दिखाऊंगा कि यदि आपके फार्म में कैनिबलिज्म की शिकायत आती है तो आप किस प्रकार से इसका निदान कर सकते हैं। कैनिबलिज्म की शिकायत आने से सर्वप्रथम आप जो फीडर और ड्रिंकर के बर्तन हैं वह हमेशा भर के रखें और कभी भी खाली नहीं होने दें। सुबह शाम दोपहर इनको कम से कम 3 बार इनको देखें कि, और दूसरी बात इसमें ये रहता है कि आप इसको कुछ ऐसा डाल दें जैसे मेथी की भाजी है, मुनगे के पत्ते हैं, ताकि ये एक कुछ ना कुछ टोंचते रहें। और दाना और पानी ये अगर पर्याप्त रहता है तो यह शिकायत नहीं आती। और इसके निदान के लिए हम मुख्य रूप से स्क्रीन पर लाइव दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर जूम करके दिखा रहा हूँ। यह ऑस्टोवेट है, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यह ऑस्टोवेट है, ये विब्रॉक कंपनी का है। इसमें देखिए कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, इसको गाय भैंस बैल इसको सभी को दे सकते हैं। स्क्रीन पर जूम करके देखिए, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D1, विटामिन B12, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें सर्वाधिक मात्रा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्या रहता है, जब इसमें कैल्शियम, विटामिन, फास्फोरस इन तत्वों की कमी आती है तब भी इसमें कैनिबलिज्म की शिकायत आती है। इसके साथ ये 30 ml की बॉटल देना है, यदि 1 लीटर है
तो आपको 60 ml की बॉटल देना है। लेकिन आधा लीटर का ऑस्ट्रोबेट है तो हमने इसमें 30 ml की विमरॉल की बॉटल मिलाई है। विमरॉल की बॉटल में अभी देख सकते हैं कि इसमें विटामिन ए, विटामिन डी 3, विटामिन डी ई और विटामिन डी 12 है। इन दोनों को आपस में अच्छे से मिला के फेट लेना है और यह 15-15 ml कम से कम 3 दिन तक चलाएं, जिसके कारण यह कैनिबलिज्म की जो शिकायत है वह समाप्त हो जाएगी। अब जिन बच्चों में कैनिबलिज्म की शिकायत आ गई है, एक दूसरे को लौंच दिए हैं, उनका क्या करना है? आपको यह तो बता चुका हूँ कि ये ऑस्ट्रोबेट प्लस विमरॉल मिला के चलाने से 3-4 दिन से ये एक दूसरे को टोंचना बंद कर देंगे। अब ये जो बच्चे एक दूसरे को टोंच चुके हैं उनको क्या दिया जाए, स्क्रीन पर जूम करके लाइव बता रहा हूँ। यह हीमैक्स क्रीम है, स्क्रीन पर जूम करके देखता हूँ। यह पशु आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी है, यह वेटनरी की दुकान में आपको कहीं भी मिल जाएगी। यह क्रीम इतनी अच्छी है कि यह कीटाणुनाशक क्रीम के नाम से इसको जाना जाता है, कीटाणुनाशक क्रीम के नाम से इसको जाना जाता है। जिस बच्चे को घाव लगा है उस बच्चे को हम यह मलहम लगा देंगे। इसकी स्मेल इतनी तेज रहती है कि बच्चे इसकी स्मेल से एक दूसरे को अगर टोंच भी मारा तो उससे मुंह फेर लेंगे, फिर दोबारा उसको टोंच नहीं मारेगा। मैं लाइव बताऊंगा इसको लगाते हुए। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, यह हीमैक्स क्रीम है जो वेटनरी की दुकानों में मिल जाएगी। यह इतनी दुर्गंधित होती है लेकिन यह कीटाणुनाशक होती है। स्क्रीन पर जूम करके लाइव बता रहा हूँ। इस बच्चे को कैनिबलिज्म की शिकायत हो गई थी, मतलब दूसरे जो बच्चे रहते हैं उसको टोंच मारना चालू कर दिए थे और इसके पीछे जो था घाव बहुत तेज़ी से उभरता जा रहा था। इसको मैंने यह हीमैक्स क्रीम लगा दी है। हीमैक्स क्रीम लगाने से यह रहेगा। अब इसको मैं छोड़ दूंगा। अब जो भी बच्चा इसको टॉर्च मारेगा, स्क्रीन पर जूम करके बता रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। स्क्रीन पर देखिए, जूम करके इसको हीमैक्स क्रीम लगा दी। अब जो भी देखिए, यह बच्चा जैसे ही इसको टॉर्च मारा लेकिन यह दोबारा उसको टॉर्च नहीं मारेगा। स्क्रीन पर जूम करके लाइव देख सकते हैं, जो भी बच्चा उसको टॉर्च मारेगा लेकिन दोबारा नहीं मारेगा। वह खुद भी मार रहा है लेकिन उसकी गंध इतनी तेज रहती है कि यह उससे दूर हो जाएंगे। इस प्रकार जो कैनिबलिज्म की शिकायत रहती है उसमें हीमैक्स क्रीम लगा के हम उसको जो घाव रहता है उसको भर सकते हैं और अपने जो बर्ड है उसको बचा सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो आर के बीडर्स चैनल को लाइक करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिए। जय हिंद दो किसान मित्रों।